गोरेगांव स्टेशन से बोरोली, बोरोली स्टेशन से गुजरा। मैं शूट के लिए जा रहा हूँ एक्चुअली सोनी वैनिश कैमरा। मैं शूट के लिए जा रहा हूँ एक्चुअली, बहुत समय के बाद मैं आउटडोर कर रहा हूँ, मुंबई में बहुत किया, अभी थोड़ा सा बाहर करने जा रहा हूँ। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है इस वीडियो में, कौन से आर्टिस्ट रहेंगे और कितनी एंजॉय करते हैं हम लोग वो भी बताएंगे, और आज का सफर भी बताऊँगा मैं। एक्चुअली ये ब्लॉग हमारा 2 या 3 एपिसोड में रहेगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बोरोली स्टेशन अभी हमको यहाँ से जाना है 8 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ट्रेन का नाम है कत, वहाँ से फिर निकल जाएंगे। खूब त्रास है, खूब त्रास, इधर से उधर, इधर से उधर, खूब त्रास, 6-7-8 इसमें भी फ्लाइट से ज़्यादा कुछ कमियाँ नहीं है, इसमें भी आपको मैं बता दूँ, एक से जो आपको फ्लिकर दिख रहा होगा ए 1, उस पर आपके टिकट्स पे रहता है किस पर भी आना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूँगा, और ये ट्रेन का नंबर्स होता है इस पर आपको पता चल जाएगा, और जो सीट नंबर लेती है ना वैसे लिखी रहती है A1, ऐसा आपके सीट नंबर पर रहता रहेगा। अभी मैं आया हूँ तो मुझे 2 बंदों ने बताया, इसलिए मेरे को नहीं पता चलता, तो ये सब फंडा है, ये ट्रेन का नंबर है। बहुत बड़ा टास्क है ये भी, बहुत बड़ा, अभी प्यास भी लगी थोड़ा सा, उसको लेते हैं, आई विल हैव समथिंग मोर। तो 1 घंटा पहले आ चुका हूँ मैं, अब 1 घंटा रुकना पड़ेगा पूरा यहाँ पर। अभी बज गए 6:30 बजने आए, तो अभी भी ट्रेन नहीं आया यार, अभी शाम भी हो गई है, और थोड़ी देर के बाद शायद से आ जाएगी ट्रेन, फिर निकलेंगे। लवली शॉट, बोरोली। इतने लोग जाते हैं बाहर, तभी भी मुंबई भरी भरी सी लगती है यार, कितने लोग जा रहे हैं। तभी भी खाली नहीं होता है, सब भरा भरा पड़ा रहा है, मुंबई में लोग संख्या इतनी है। ये हमारी ट्रेन आ गई, अभी अभी चढ़ के बात कर रहे हैं, अभी थक चुका हूँ पूरा, अभी बैठने के बाद ही बात करता हूँ थोड़ी आपसे, ओके। तो हम लोग ट्रेन में पहुंच चुके हैं अभी, और पूरी लोग गुजराती से ट्रेन पड़ी है, पूरी पूरी जाता हूँ दिखा दो। एक्चुअली मेरे बाजू में भी पूरी लेडीज बैठी हुई, पूरी लेडीज बैठी हुई, मेरा आवाज़ ही नहीं आता वहाँ पर वो शायद से। पूरे लोग गुजराती लोग बैठे हुए हैं, पूरे लोग वही। तो अभी 10-15 मिनट बाद शायद से हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन सुबह का नज़ारा देखो, गांधी धाम स्टेशन आएगा, उधर उतर जाएंगे हम लोग। ब्यूटीफुल मैन, वाह वाह वाह,
आ गए गांधीधाम फाइनली। नहीं नहीं खाओ सर, नहीं अभी नहीं, अभी उधर जाके खाओ। नहीं नहीं खाओ खाओ, नहीं नहीं आप खा लो। इस टाइम पे हम लोग बराबर पहुंचे 6:45 को। तो ये रूम है डी ओ पेरो, हम लोग रहने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से बाहर जा सकते हैं नहीं देखते हैं। अच्छा जा सकते हैं, डायरेक्ट स्विमिंग पूल के दर्शन है फिर यहाँ से। मस्त है, मस्त बढ़िया है लेकिन ना। परेशान होते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओके वहाँ पर मस्त मेडिटेशन करने के लिए ये होटल है। सो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पर। अभी थोड़ा सा फ्रेश अप होता हूँ वगैरह, और इसके बाद फिर हमारा शूट चालू भी होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कैसा आउटडोर शूट होता है। और फिर मिलते हैं, भूख वगैरह सब लगी और बहुत टायर्ड हो चुका हूँ एक्चुअली, लेकिन एक्सपीरियंस करना चाहिए, ज़रूरी है। बट ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। फाइनली अपना ये वॉशरूम है, ठीक है अभी फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ। और ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड आपको मैं बताऊँगा शूट का हमारा जो रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके मिलते हैं फिर।